दोस्तों बात करेंगे आरपीके टोकन के बारे में। आरपीके टोकन का एयरड्रॉप में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसका जो ऐप है वहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ अपडेट आया हुआ है। सबसे पहले तो आपको बता दोस्तों कि जो इसका लास्ट अपडेट आया हुआ था कि ये टोकन जो है ऑलरेडी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो चुका है और काफ़ी सारे एक्सचेंजेस पर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे कॉइन मार्केट डेटा में दिखाऊँ मार्केट पर ले जाके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुकॉइन पर ये ट्रेड कर रहा है, एचटीएक्स पर ये ट्रेड कर रहा है, साथ साथ यहाँ पे बिटमार्ट, बिंगएक्स, एमएक्सी, गिट.io, बायबिट, ये सभी एक्सचेंजेस पर ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके एयरड्रॉप के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका एक नया अपडेट यहाँ पर रिलीज किया गया है इनके ट्विटर हैंडल पे, जो कि मैं आपको बताता हूँ। ये आ चुका हूँ मैं दोस्तों ट्विटर हैंडल पे आरपीके टोकन का, जो कि रिपब्लिक जीजी है, और यहाँ पर 157,000 फॉलोअर तो कंप्लीट हो चुके हैं। 20 घंटे पहले यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है आरपीके अनाउंसमेंट, द फर्स्ट वेव ऑफ रिपब्लिक कम्युनिटी आरपीके रिवार्ड विल बी डिप्लॉयड एंड सेंड टू इन ऐप वैलेट ऑफ ऑल एक्टिव यूजर होल्डिंग एटलीस्ट ब्रॉन्ज बैज ऑन November 28, 12 PM UTC, बैलेंस विल बी रिफ्लेक्ट विद इन 24 आवर्स। यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि जो लोग भी यहाँ पे एक्टिवली यहाँ पे पॉइंट्स को क्लेम कर रहे हैं और डेली बेसिस पे यहाँ पे पॉइंट्स को अर्न कर रहे हैं रिपब्लिक ऐप में, उनको जो टोकन है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वो कब किया जाएगा, तो 28 नवंबर को किया जाएगा 12 UTC टाइम जोन के अनुसार। तो आप 12 UTC टाइम टू IST आप सर्च कर लेना गूगल में, आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में ये क्या टाइम होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि 28 तारीख को तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पे 24 आवर्स में ये रिफ्लेक्ट होगा। यानी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपको 24 घंटे तक वेट करना पड़ सकता है, मतलब 24 घंटे के अंदर सभी को ये रिफ्लेक्ट करने लगेगा आपके इन वैलेट में। यानी जो आपका वैलेट है जिसमें आप ये टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, उसी वैलेट में आपका जो बैलेंस है वो शो करेगा। और एक चीज़ आपको बता दोस्तों कि यहाँ पे बताया गया है कि होल्डिंग एटलीस्ट ब्रॉन्ज बैज, यानी यहाँ पर अगर आपने डेली बेसिस पे क्लेम कर रहे हो आप, तो आपको कुछ ना कुछ बैज मिला होगा। तो अगर आपका एटलीस्ट ब्रॉन्ज बैच भी हो चुका है तो आपको जो टोकन है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर उससे नीचे है तो उसका भी फिलहाल अपडेट नहीं किया गया है, मे भी आने वाले वक्त में अपडेट किया जाएगा। डिटेल्स ऑफ आवर कंटिन्यूअस कम्युनिटी आरपीके रिवार्ड विल बी रिवील्ड सून, कीप अ क्लोज वॉच ऑन आवर सोशल टू रिसीव द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। यानी यहाँ पे जो कुछ भी अपडेट होगा वो इनके सोशल हैंडल्स पे पता चल जाएगा। अगर आप यहाँ पे रिपब्लिक ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप यहाँ पे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लो, सिंपल सा अपना ईमेल आईडी डालो, ईमेल पे ओटीपी आता है और अकाउंट आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। कुछ भी केवाईसी करने का भी झंझट नहीं है, और डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जब आप यहाँ पे डेली बेसिस पे लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो वो मिलेंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 2 यहाँ पे डन हो चुका है, 3रा यहाँ पे होगा तो डन हो जाएगा। ऐसे लगातार आप 6 दिन तक करोगे, 7वें दिन आपको यहाँ पे एक गिफ्ट बॉक्स मिलेगा जिसमें ऑलरेडी आपको 300-400 जो XP पॉइंट है वो एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। तो डेली बेसिस पे अगर आप इसे क्लेम करते जाते हो तो 6 दिन के बाद 7वें दिन आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो रिवार्ड है वो दिया जाता है। मेरा यहाँ पे जो डायमंड का यहाँ पे बेज मिला हुआ है, और आपका क्या मिला हुआ है आप हमें नीचे कमेंट में बताइएगा। बाकी यहाँ पे आपको अपने पॉइंट्स को इंक्रीज करने के लिए आप यहाँ पे फोटोज़ को अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे लाइक्स कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, किसी को फॉलो कर सकते हो, उसे भी फॉलो बैक करने को बोल सकते हो, मतलब जो कुछ भी है इंट्रेक्शन अगर आप यहाँ पे करते हो तो आपका जो पॉइंट्स है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे आरपीके टोकन जो है ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है, ट्रेडिंग भी चल रहा है काफ़ी सारे एक्सचेंजेस पे, और इसका एयर ड्रॉप का भी अपडेट आ चुका है कि 28 नवंबर को इसका जो कुछ भी है डिस्ट्रीब्यूशन वो होगा और आपके इन वैलेट यानी आपके वैलेट में ही ये विजिबल होगा 24 आवर्स के बाद। तो अगर आपने इसके एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है तो एक बार अपडेट जरूर से कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद होगा, ये अपडेट जानकर आपको अच्छा लगा होगा। नीचे आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने XP पॉइंट्स हैं और आपको कौन सा बैज मिला हुआ है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।